खबर धमतरी मगरलोड से कोविड नियंत्रण के लिए घर घर पहुंचकर लोगों को टीका लगाने के लिए समझाते नजर आए तहसीलदार। धमतरी जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम उसके नियंत्रण के लिए मगरलोड तहसीलदार हेमलता डहरिया सख्त तथा गंभीर हो गई, जिसमें तहसीलदार द्वारा कोविड 19 के दूसरे लहर के नियंत्रण के लिए घर घर जाकर लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा। साथ ही जो लोग वैक्सीन लगाने से मना कर रहे थे उन्हें पूरी जानकारी देकर वैक्सीन लगाने की सलाह दी जा रही, जिसमें लोगों के मन में भय और अफवाहों की वजह से टीका नहीं लगा रहे थे उन्हें जानकारी पूरी देकर टीका लगाने के लिए कहा, जिसमें मगरलोड तहसीलदार हेमलता डहरिया, नायब तहसीलदार रमेश कुमार मंडावी, ललित साहू, एसडीओ अजय प्रताप सिंह, बलराम सूर्यवंशी, जनपद पंचायत मगरलोड चौकी प्रभारी संतोष साहू, मोहन निषाद, आरक्षक बलराम सिन्हा, गांव के सरपंच संगीता ध्रुव, उप सरपंच गोकुल साहू, पंच लोकेश साहू मितानिन के द्वारा आज ग्राम पंचायत बुटेनी में आज लोगों के घर घर जाकर टीका लगाने की अपील की। साथ ही मगरलोड तहसीलदार हेमलता डहरिया ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक होने और कोरोना लक्षण दिखने पर खुद को आइसोलेट करने की सलाह दी। साथ ही बेवजह घूमने वाले लोगों पर चलानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यहाँ पर ग्राम पंचायत बुरेली में टीकाकरण के लिए विशेष शिविर लगाया गया है। चूंकि यहाँ अभी टीकाकरण का प्रतिशत कम है, इसलिए कल से यहाँ शिविर लगाया गया है और आज हम लोग तहसील की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से और ग्राम पंचायत की तरफ से घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए अपील किए हैं। कुछ लोग थोड़ा सा अभी रेजिस्टेंस है लोगों के मन में, जो अफवाह फैली है उसके लिए, तो उसको हम लोग समझा रहे हैं और ये उनको जागरूक भी कर रहे हैं कि जो टीकाकरण है वो उनकी भलाई के लिए, उनके घर वालों की भलाई के लिए, उनके परिवार और उनके समाज गांव सभी की भलाई के लिए टीकाकरण है ये। तो लोगों को समझाइश दी गई है, कई लोगों की टीकाकरण के लिए यहाँ पर आए हैं जिनका टीकाकरण होना है और भविष्य में भी जो गांव के छुटे हुए लोग हैं वो भी सभी टीकाकरण कराएंगे, ये मैं आशा करती हूँ। ग्राम पंचायत बुड़ेनी में आप कितने घरों में गए हैं, इसकी जानकारी? आज मैं ग्राम पंचायत बुड़ेनी में ग्राम पंचायत के सहयोग से लगभग हम लोग ने 25-30 के घरों का घर जाके उनको समझाइश दी गई है। आशा है सभी लोग समझे होंगे, आज नहीं तो भविष्य में टीकाकरण अवश्य कराएंगे। और मैं आपके साथ में जो सर जी आए हैं उनका मतलब? मेरे साथ मेरे नायब तहसीलदार आए हैं, चंपत पंचायत के एडीओ एजीपीओ लोग आए हैं, थाना चौकी करेली बड़ी से सहायक उप निरीक्षक और उनके आरक्षक लोग आए हैं और यहाँ सरपंच महोदय, उप सरपंच, गाँव के पंच मितानी और ग्राम समिति के अध्यक्ष भी आए हैं। सभी लोगों ने मेरे साथ संयुक्त रूप से घर घर जाकर लोगों को समझाइश दी है। ठीक मैडम, जी सर, आपके द्वारा ग्राम पंचायत में आज टीकाकरण के लिए जागरूकता रैली निकाली गई सर, इसमें ग्राम पंचायत कितने लोग सहमत हो पाए सर, इसके संबंध में जानकारी? ग्राम बुड़ेनी में ग्राम पंचायत अन्य ग्रामीण तहसीलदार एवं अन्य ग्रामीणों के सहयोग से तथा CDO AGPO के सहयोग से एक जन जागरूकता कोविड 19 वैक्सीन के लिए किया गया और मुझे आशा है कि आज के जैसे डोर टू डोर हमारे द्वारा सर्वे की गई है, इसके पश्चात लोग जरूर जागरूक होंगे और वैक्सीनेशन के लिए आने वाले दिनों में बिल्कुल आ जाएंगे, ऐसे में आशा करता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। जी मैम, आपके ग्राम पंचायत में 1 अप्रैल से लेके अभी तक कितने लोगों को टीकाकरण हो चुका है मैम? अभी तक 105 लोगों का हुआ है, कल 5 लोगों का हुआ है और पहले 10 लोगों का। जी मैम, आपके द्वारा और आपके जो अनुभागीय अधिकारी उनके द्वारा आज ग्राम में टीकाकरण अभियान चलाया गया, गाँव में घरों प्रत्येक घर में जाकर जागरूक किया गया है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे ग्राम पंचायत जागरूकता के लिए घर घर गए थे, लेकिन अभी कुछ लोग तैयार नहीं है, लेकिन बाद में दूसरों को देखकर बहुत स्वयं तैयार। खबर भारतवर्ष के लिए धमतरी मगरलोड छत्तीसगढ़ से निमेश शुक्ला की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।